तो गाइस जिया और भानु को कर रहे हैं हम विदा। आज जयपुर के लिए रवाना हो रही हैं ये। जिया का तो है प्रैक्टिकल, भानु का है पेपर, तो ये आज ही जा रही है। हम कल जाएंगे ट्रेन से, जाएंगे ये अभी स्टेशन पे। हाँ जिया होशियार है हमारी, जिया पढ़ने लाला कौन रखेगा, ए कानू को कौन रखेगा। ये देखो उरखाट बिछा लो, बाय। भालो कुड़ता है पकड़ ऊपर, बाय बाय। ये तो चले, और अब ये देखो हुलिया कहाँ गए थे, वहाँ खेल रही थी, उनके साथ में खेल रही थी, वो बच्चे खेल रहे उधर हैं मिट्टी में, देखा मिट्टी में तो नहीं खेल के आई, फिर किससे खेल के आई है। आज बालों में तेल नहीं डाला ना, गर्मी लग रही होगी है ना। देखो गाइस मिट्टी के अंदर कैसे घर बना बना के खेल रहे। अरे पीयू कहाँ गई, पीयू उनके गई की के साथ। देखो गाइस ये है पत्ता, और पत्ते में बन रहा है दिल, और ये दिल किसका है, ये हमारे साहब जी का दिल है। मैं यहाँ से निकल रही थी तो मुझे इसका पत्ता मिला पेड़ का, तो ये है उसका शीशम का पत्ता। किसका पत्ता है ये, शीशम का पत्ता। मेरा अलग कलर है, तेरा अलग कलर है ना। उन्हें अब टाइम मिले सुबह से, काल से राखी भी ना बंदी से अभी तक भी हमारे। मिठाई रही धरी, राखी नहीं बंदी अभी तक ना, बीमार हो गए थे ना भू भाई कल, तो हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल। स्वागत है नई क्लिप के साथ, और कैसे हैं आप सब, आई होप ठीक होंगे। तो गाइस हम भी ठीक हैं, हम हैं अभी गांव में आज भी, तो आज अभी हम शाम से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन से हमारे कानू से मिलने के लिए आ रहे थे सब लोग, इसको देखने के लिए आ रहे थे, है ना कानू। कौन कौन आए थे आज तेरे पास, है रे सब आए थे आज गाइस, तो इसलिए आज रुकना होगा, कल हम जाएंगे जयपुर। तो अभी हम शाम को बिठा ली हमने चार पाई, तो यहाँ अभी नाना बैठे थे, तो नाना गए अभी, हमारी भैंसे चल रही है इधर सामने, घास उग रही है ना इधर, देखो वो रही सामने वो रही, वो नाना गए उधर भैंसों को लेने के लिए, कभी भिंडी में चली जाए भिंडी खा जाए, है ना। और आज पूरे दिन सोई मैं पहले तो, और सब नंबर से आए मिलने के लिए, है ना, तो ये इसकी वजह से मैं गांव में जाना नहीं हो रहा मेरा आज, तो अभी यहीं बैठ के द एंड द वेंड सब ब्लॉग यहीं होगा आज। थोड़ी देर में जाएंगे अभी मिलने इधर, आजू बाजू घर वालों के चले जाएंगे, है ना कानू। देख रहे पापा ना करके। भैंस आ गई है हमारे पास में, आ गई तो चरती चरती। लाइटिंग कर दी इन्हें, तो कर दे उड़ जा, वो उड़ गई। इसको बोलते हैं राम जी की गाय, टिड्डी है ये, टिड्डी उड़ गई किध गई यारी। गाइस डोलते डोलते शाम हो गई है, और मौसम भी अच्छा हो रहा है आज, अब लास्ट गर्म ही जा रही हूँ। वीडियो बना ही नहीं सकती, इतने वेड़े टोकने लग जाते हैं गाइस इधर। देखो आगे अनु नान बैठी है कुर्सी पे, और बच्चे खेल रहे इधर, और शर्म आनु के थार वीडियो सब देखे सब भाई साहब, हमारा वीडियो मत बनाइयो भाई साहब, हम सब देखे से। मिर्ची का हाथ मत लगा भाई इसके, ओ भूतनी
847 पर साओ खत्म गया नवंबर ये 14 दिसंबर। अब हमें जन जन तो है और रात ने सवेरे 5 बजे लगाना होगा 7 बजे 14 तारीख को दिसंबर को साओ और 15 तारीख लग जाएगी सवेरा को के सावा काट देंगे। अब ये देखो 16 जनवरी को है भाई तो पढ़ोड़ी आएगी ना हिंदी 18 फरवरी को चालू तो सवेरे ही भेजे है गया बाकी या 12:43 से सवेरा तक हाँ कहीं वक्त हो जाओ तो 12 तो इतने बजे हैं आजकल। हाँ 11-12 नाच गाना में बजे हैं। हाँ एक ना 12:43 तो मेरी समझ में तो एक साहु आ गई समझ ज्यादा बढ़िया बस यही टाइम से भेज जाए कम से कम। हाँ ये एक भी कौन देख लीजिए ये भी सवेरा को इसी लंबाई बहुत है कम तो नहीं है लंबाई तो मैं 1 पीस कम नहीं दिखाया मैंने 1 2 3 ये 4 पेटीकोट है नहीं चाहिए देखो ठीक है दे दो मेरी मम्मी वाले दे दो है क्या भर रहा है तेरे अंदर गांव आ गई है एक्टिंग क्या बताओ भाई क्या आ गया तेरे अंदर भूत आ गए तेरे अंदर है क्यों चलो बाहर खाट बैठना चला चलो बाहर मेहंदी लगाओ। स्वागत है ममता तंवर के ब्लॉग में कैसे हैं आप सब आई होप ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ मैं अभी खड़ी हूँ भिंडियों में और यहाँ पे हमारे हो रही है घास कटाई भैंस चल रही है पीछे देखो वो चल रही है यहाँ पे हमारी बहन जी बैठी है पापा हमारे खाट सही कर रहे हैं। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया क्यों नहीं आया गाइस कल सब मिलने आ रहे थे तो ब्लॉग बना ही नहीं पाई कानू को देखने के लिए आ रहे थे ये पहल आया है इधर इसलिए तो कोई ब्लॉग नहीं आया मेरा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी देखा घास काटनी आवे है कि ना देखूँ तो ये काट रहे है घास उरे ओ भैंस चल रही मारी काट के देखूँ देखा भूल गई कटूँ काट दूंगी मैं है मेरा वीडियो बना दे काट दूंगी तेरा सारा हो जाएगा पसीना दिख रहा है के काटूंगी मैं हैं गुल्लू ने गुल्लू कटिया होगा भी मैंने कहा काट के देखूं दी कटेगी कि ना घास मेरी है के कटेगी इतने पसीना नु ही आ रहा है भयंकर से ठीक है सबकी वीडियो बना के लाऊंगी अभी ठीक है वो कह रहे हैं कि हमारे पूरे गांव की वीडियो बनाना मैंने कहा ठीक है पूरे गांव की वीडियो बना के लाएंगे बट गर्मी बहुत हो रही है गाइस बहुत ज़्यादा नहाबा को मन करे ना उठवा को मन करे ना पंखा आगे बैठा रहो बस। तब बज रहे हैं शाम के 5 अब देख लो शाम के 5 बज रहे हैं लेकिन धूप कितनी हो रही है बहुत ज़्यादा धूप हो रही है ए देख जी घबरा जा रहे हो देखो हमारा शारकान को तो क्या होएगा फिर बताओ धीरे धीरे कल मैं काटू मेरा वीडियो बना दे मैं काट दूंगी गुल्लू सोचे से कि मेरा जोर पड़ जाए काटवा के लिए इसलिए नहा रहे हो अभी छुप रहे हो गर्मी के मारे कौन काटे इसलिए वो आ नहीं रहा चुपचाप उधर की तरफ बैठा है गाइस गर्मी के अंदर कौन काम करना चाहते हैं अपने बट गांव में तो आदत होती है भाई हम भी पहले खूब करता था काम 3 बजे भैंसा सानी भैंसा को गोबर गेरना उठानो न्यार रही सारा काम करोड़ा है गाइस हमने बहुत काम दूर दूर जहाँ भी ये मकान बना लिए यहाँ हम पहले काशने लेने के लिए आते थे ये देखो हमारे हाँ इधर मतलब घूमने फिरने के लिए आते थे सब कुछ करने आते थे भैंसों को डुलाने के लिए जैसे अभी आज ही भैंस डोल रही है ऐसे हम भी डुलाने के लिए आते थे
अब यहाँ पे मकान बन गए हमारे सारे सब जगह, अब अलग अलग जगह जगह, ये खाली पड़ा था पहले, यहाँ सब खाली पड़े थे और अब यहाँ से भी खाली करके अब आगे मकान बनाने लग गए इधर से भी जाके। अब दूर और गांव में सब पुराने मकान हो गए, सब गिरने लग गए, अब धचड़ हो गए। अब दूर 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 ये सब हमारा ही परिवार है गाइस। और अभी काटते हैं थोड़ा, देखते हैं न्यार काट के वीडियो रील बना लेंगे इस बहाने, बुलाती हूँ किसी को। ये देखो गाइस, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, ये बैठ, ये सामने रोड, ये हमारी ज्वार, ये हमारे आजू बाजू में सब रहती हैं। यहाँ भिंडी उगा रखी है, आपको मैंने पहले भी दिखाई थी, आप बोलोगे फिर बार बार में दिखा रही भिंडियों को, ही दिखाती रहती है। और ये हमारे मकान है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं गाइस, आधे ही मकान है, अभी कंप्लीट करेंगे, अब शादी से पहले, रक्षा की शादी से पहले। उधर जो है उधर की तरफ भैंस बनती है, यहाँ भिंडी वगैरह सब उगाए रखते हैं, ये सब घर है ही। तो चलो व्लॉग में बने रहना, आज तो व्लॉग आएगा। आज हम जाने वाले थे गाइस, वाले थे जयपुर में, रेडी तो इसलिए हुई थी दो वाली ट्रेन से, बट फिर रुक गए हम। अब वही है ना, गांव में आने के बाद में आज नहीं कल जाना, कल नहीं परसों जाना, आज नहीं कल जाना, आज तो देखते हैं सुबह जाना होगा या नहीं। पीयू फुल मस्ती में है, बच्चों के साथ में खेल कूद में अच्छे से मन लग रहा है पीयू का भी, और हमारा तो कर लगता ही है, आप लोगों को पता है गाँव में किसका मन। आए तो दो तीन दिन तो रुके ही, ऐसा रहता है, इसलिए तो गाड़ी से नहीं आए, नहीं गाड़ी से आते एक दिन भी नहीं रुकते, जिस दिन ही सुबह जल्दी चलो 11 बजे पहुंचो 3 बजे वापस, इसलिए तो ट्रेन से आए थे परेशान होते हुए, बारिश में भीगते हुए, आप लोगों ने देखा ही होगा कितना परेशान हुए थे हम ट्रेन से, और अभी भी जाना भी ट्रेन से ही है। बट यहाँ बारिश होती है ना, जब तो ठंड है, बारिश नहीं होती ना बहुत गर्मी लगती है, गाँव में ये हाल है। 9 बजे गर्मी हो जाती है, 9 बजे तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि आदमी बाहर ही नहीं निकल सकता, ब्लॉग तो बनते ही नहीं है, इसलिए तो नहीं बनते, सारे दिन एक कमरे के अंदर पड़े रहो, नहाना धोना कुछ है नहीं, बस पड़े रहो, घर घर में जाओ बिगड़ नहाए धोए। अभी तो मैं लुगड़ी उगड़ी यहाँ वीडियो बनावा के चक्कर में ओढ़ना ओढ़ के आई हूँ, नहीं कहाँ ओढ़ना, इधर ओढ़ते हैं सिंपल सोबर रहते हैं, तो ये रील के चक्कर में आई हुई है, इसमें इधर मैं रील बनाऊँगी ना इसलिए तैयार हो रखी हूँ, नहीं तो इतनी बुरी हालत रहती है यहाँ तो बस पूछो मत, तो वो रील बनाते हैं। काटली हमने घास, गर्मी में भीज गए इतने बुरे, 1 सेकंड 15 सेकंड की रील में काला मुंह हो गया मेरे तो, यहाँ पे इधर काला मुंह हो जाता है एक दिन में, वहां से बैठो चमचमाट करते बैठो, रास्ते में आते आते तो ऐसी बुरी हालत हो जाएगी कि तुम्हारे मुंह काला हो जाएगा पूरा, पूरी हकीकत निकल के आ जाएगी कि तुम शहर के हो या गांव के हो, ये हाल है गांव में। तो मोर आ गए, आपको मोर दिखाओ, ये रहे दो मोर, अब इसमें ये क्या खाएंगे पता नहीं, कागे लगा रखे उस पंखों है, भैंसा कागे लगा रखे उसे, इतनी दूर आवाज है इस भैंसा की, आने लग गई गाइस, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम आने लग गई, गर्मी को देख के, गर्मी की राहत को देख के जोर से बारिश आनी चाहिए। अब हम घूम फिर आए सबके, चाय पानी पी आया भाई, चाय पी पी के तो बहुत दिक्कत हो रही सही रहता, अब चलते हैं घर पे, वैसे बीच बीच में घर पे आ जाती हूँ, एक घर जाके फिर आ जाती हूँ, घर घर जाके फिर आ जाती हूँ, ये क्या लग गया भाई, कहीं को फोन आ रहे थे, अभी हो गई है रात और मैं बना रही हूँ अभी सब्जी, वो कह रहे हैं कि तू बना सब्जी, कितनी गर्मी से कैसा हो काजल उजल फैल गई गाइस, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो रही है, बारिश आ रही है, और अभी मैं बना रही हूँ किसकी सब्जी, मसालेदार है, कह रही तू टेस्टी बनाएगी तू बना, तो मैं बना रही हूँ गाइस अंडे की सब्जी, तो आज बनाएंगे अंडे की सब्जी, तो मैंने सारा मसाला वगैरह सब रेडी कर लिया और फिर खाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, तो मैं भी खाती हूँ बता देती हूँ कभी कभी खाती हूँ, कभी कभी नहीं, हमारे तो रोज़ ही बनता है ससुराल में, रोज़ नहीं गाइस, शनिवार संडे को बड़ा खाना और बुधवार को अंडे, बट ये मैं दिखाती नहीं हूँ आप लोगों को, एक बार मैंने दिखाया था तो मेरी काफ़ी फ्रेंड है ये बोले कि हम आपके ब्लॉग नहीं देखेंगे गाइस, जो मेरी बहनें हैं जो नहीं खाती हैं वो बोल रहे थे कि हम ब्लॉग नहीं देखेंगे, हमें अच्छा नहीं लगता आप जो ये चीज़ बना के डालते हो, जो मैंने कहा चलो सॉरी, बट
आज डालना पड़ रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं। गांव में देखो कैसे कटोरी सजा के रखते थे, रखते हैं अभी भी रखते हैं गाइस, चाहे किचन हो चाहे कैसी मॉडर्न हो चाहे कैसी हो, बट ऐसे सजा के कटोरी गिलास ज़रूर रखेंगे। इन पर मिट्टी जम जाती है, फिर ये 1-15 दिन में 20 दिन में फिर सफाई करते हैं, तो नए बर्तनों को भी पुराना कर देते हैं, धो धो के बना लेते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर हम बातें करेंगे खाट बिछा के। गांव में ये बड़े मज़े वाली बातें हैं गाइस, खाट बिछा लेंगे, पुरानी बातें, नई बातें, ताज़ा बातें, जैसे भी किसी को बातें करनी होती है वो सारी बातें करेंगे। तो फिर भाभी भी आएगी हमारी मैडम, वो भी मैंने कहा आ जाना रात को, कल हम चले जाएंगे, तो वो भी आएगी, फिर हम बातें करेंगे। हो गई बात खत्म, बाय करके जाओ। बाय।